दुनिया में हिंदी भाषा की पहुंच बढ़ाने के मकसद से मॉरिशस में आयोजित 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, जिसके लिए भारत ने सभी को धन्यवाद कहा। इससे पहले सम्मेलन का उद्घाटन कुछ इस तरह किया गया। सम्मेलन तमाम खूबियों के साथ संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में कई विदेशी भी शामिल हुए, जिन्होंने बेहतरीन हिंदी में बात करके लोगों का दिल जीत लिया। इन्हें देखकर इस बात का एहसास होता है कि कैसे तमाम लोग विदेश में रहकर हिंदी की सेवा कर रहे हैं। इस सम्मेलन में करीब 43 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कई प्रतिनिधियों के अनुभव और विचार को सुनकर किसी भी हिंदी प्रेमी के लिए संतोष और गर्व का विषय हो सकता है। इस सम्मेलन में शामिल होने वाले तमाम विद्वानों ने हिंदी और उसकी संभावनाओं को लेकर अपने अपने विचार भी रखे। चर्चित तकनीक विद बालिंदु शर्मा दधीच ने सम्मेलन में अपने विचार रखे, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदी को सशक्त और आधुनिक भाषा बनाने में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियां और भारत सरकार के संस्थानों ने हिंदी में तकनीकी विकास को गति दी है। हिंदी में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुप्रयोग का भी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदी बाजार और तकनीक के क्षेत्रों में ताकतवर बनकर उभरी है, जो नई संभावनाएं पैदा करेगी। सम्मेलन के तीसरे और आखिरी दिन भारत और मॉरिशस के अलावा दूसरे देशों के विद्वानों को सम्मानित किया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन भाषण के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए कहा कि अटल जी की विरासत को मॉरिशस में सुदृढ़ करेंगे। उन्होंने मॉरिशस के साइबर टावर को अटल जी के नाम पर समर्पित किया। सम्मेलन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संस्कृति और हिंदी भाषा को बचाने पर जोर देते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर हिंदी को बचाने और बढ़ाने की जिम्मेदारी भारत ने ली है। इस साल विश्व हिंदी सम्मेलन का थीम रहा हिंदी की दुनिया और भारतीय। ऐसा इस बार पहली बार हुआ जिसमें आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के लिए विशेष विमान का प्रबंध किया गया। साथ ही ये भी पहली बार हुआ जब दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडुचेरी सहित 29 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। 3 दिन चले इस सम्मेलन में हिंदी की दुनिया और भारतीय संस्कृति पर 8 उपलब्धियों पर व्याख्यान दिए गए। साथ ही वाजपेयी जी के साहित्य पर 2 घंटे का विशेष सत्र भी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।